हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पीछे की जगह देखकर आप पहचान ही गए होंगे, आज एक बार फिर से मैं लक्ष्मी ऑटो केयर गौरव भाई के साथ और आज मैं आया हूं तो डेफिनेटली कुछ नया सामान आज अपनी नई क्लासिक रिबॉन में लगने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, जो मेरे बाइक में जो चार्जर लगा हुआ है उसमें चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, वो केवल एक मोबाइल होल्डर है और वो भी उसका जो लॉक मैकेनिज्म है वो भी ख़राब हो चुका है। तो जो मोबाइल होल्डर है वो ख़राब हो गया है मेरी नई रिबॉन में, तो इसी वजह से आज मैं उसमें नया मोबाइल चार्जिंग सिस्टम लगवाने वाला, नया मोबाइल चार्जर लगाएंगे। इस बार मोबाइल होल्डर नहीं लगाएंगे, तो कौन सा लगवाता हूँ, क्या लगवाता हूँ, गौरव भाई क्या सजेस्ट करते हैं, क्या मुझे दिखाते हैं, तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं गौरव भाई से और देखते हैं वो आज हमें क्या सजेस्ट करते हैं और क्या अपनी नई क्लासिक रिबॉन में कौन सा नया होल्डर या मोबाइल चार्जर लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं गौरव भाई से और दिखाते हैं आपको क्या वो हमें सजेस्ट करते हैं। सो गाइस, ये कुछ ऑप्शन है जो गौरव भाई ने मेरे लिए सजेस्ट करे, तो इनके बारे में पहले जानते हैं और फिर देखते हैं हम क्या डिसाइड करते हैं और क्या अपनी बाइक में आज लगवाते हैं। दोस्तों, ये तीन वैरायटी आप देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा दिखाते हैं पास से। एक ये जी टॉक का मोबाइल होल्डर पे चार्जर है, सिमटेक का है विच इज़ वेरी सिमिलर टू सिमटेक और जी टॉक, और एक है सीएनसी विद चार्जर। तो ये तीन ऑप्शन हैं चार्जिंग वाले। अब भैया चाहते हैं कि मुझे वारंटी भी मिले प्रोडक्ट में, तो ये तो साइड हो जाता है, बचते हैं ये दोनों। तो ये दोनों हैं, इसके सारे फीचर्स सेम टू सेम है, लुक्स भी सेम है, बस कुछ चीज़ें जैसे ये आप देख पा रहे हैं इसमें स्विच इन्होंने पुराने टाइप का दिया है, इन्होंने थोड़ा एनहेंस कर दिया है, तो बाकी सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम है। हमने डिस्कशन भी करी इस बात पे कि यार कौन सा लगाया जाए, तो हम इसी डिसीजन पे आए कि हम सिमटेक को प्रेफर कर रहे हैं भैया की रिबॉन में, क्योंकि स्विच देखिए कुछ तो मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक पॉइंट था जिससे ये जीत गया है सिमटेक, जिसको भैया लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि आप देखिए सफाई से काम हो रखा है इसमें और वारंटी भी सेम है, लेकिन हमने सिर्फ ये देख के ही इसको डिसाइड किया कि हम ये फिट करने वाले हैं। अब आपको लेके चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं कि साथ में इसके क्या क्या आएगा, उसके बाद आप देखना है वीडियो में कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं सिमटेक को अनबॉक्स करते हुए, क्योंकि भैया ने सिमटेक का मोबाइल होल्डर विद चार्जर इंस्टॉल करने का प्लान किया है, तो एक बार इंस्टॉल करने से पहले आपको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या आने वाला है बॉक्स के अंदर। पहले तो दोस्तों सिमटेक का एक थैंक यू कार्ड आएगा, साथ में सिमटेक का एक स्टिकर आएगा अगर आप लगाना चाहते हैं। सबसे ऊपर उसके आएगा, डिवाइस के ऊपर आएगा वारंटी कार्ड, जिसमें 18 मंथ्स की दोस्तों वारंटी आपको मिल जाएगी। सो 18 मंथ्स की वारंटी आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, 18 मंथ्स की वारंटी आपको मिल जाएगी और इस पे हमारा स्टैंप और सिग्नेचर आपको लग के आएगा। इस कार्ड को दोस्तों आपने संभाल के रखना है, अगर ये खो जाएगा तो वारंटी आपकी लैप्स हो जाएगी। साथ ही साथ पहले आपको दिखाते हैं डिवाइस, ये देखिए क्वालकॉम 3 फास्ट चार्जर इसमें आपको मिलेगा सिमटेक का, और क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। इसका बेस्ट पार्ट ये है, एक तो ये छन की आवाज़ नहीं आती इसमें और इजीली आप इसको जितनी आपकी फ़ोन की जो विथ है आप इसको खोल लीजिए और अपना फ़ोन इसके अंदर आप डाल सकते हैं, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी आप इसकी। और इसमें आपको दोस्तों मिरर और नट फिटिंग दोनों के हिसाब से फिटिंग प्रॉपर मिलेगी और 360 डिग्री रोटेटेबल है ये। जब आप अभी पूरी वीडियो देखेंगे शुरू से एंड तक, आपको आगे पता चलेगा कि 360 डिग्री ये कैसे काम करता है। और इसमें जो डिफरेंट इन्होंने किया है सबसे अलग बाकी लोगों से, बहुत ही छोटा सा स्विच लगा दिया है, आप देख रहे हैं पूरा खाली है, तो काफ़ी इन्होंने कोशिश करी है नीट एंड क्लीन काम करने की, एक बड़ा स्विच ना लगा के इन्होंने क्वालिटी को एनहेंस कर दिया है और इम्प्रोवाइजेशन की है इसमें स्विच के लिए। तो ये देखिए ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, तो अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसे ये ऑन ऑफ चार्जिंग में काम करता है। और दोस्तों इसका बेस्ट पार्ट और यह है कि ये प्लग एंड प्ले है, कोई भी वायर इसमें कट नहीं करनी है, तो सिमटेक पूरा ध्यान रखता है आपका। फ्यूज़ भी साथ आएंगे, हर टाइप की फिटिंग साथ में आएगी, केबल टाई साथ आएगी और ये ग्रिप भी साथ आएगी फ़ोन को होल्ड करने के लिए। तो अगर आप सिमटेक परचेस करते हैं तो आपको वारंटी मिलेगी प्रॉपर, सारी हर चीज़ मिलेगी, आपको कुछ भी बाहर से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर आप खुद भी इसको डायरेक्ट फिट कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हमने ये फिट किया है। सो गाइस, जैसा आपको बताया था, अभी आप देख सकते हैं ये वाला चार्जर लगा है, मोबाइल होल्डर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्जिंग सिस्टम नहीं है, तो इसकी जो ग्रिपिंग है ख़राब हो गई है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री हो गया है।
और जो है कसता नहीं, आप कह सकते हो मोबाइल इसमें होल्ड नहीं रहता, इजीली निकल जाता है। और दूसरा ऑप्शन इसमें चार्जिंग भी नहीं है, ऑलरेडी चार्जिंग का ऑप्शन जो है कंपनी के साथ बाइक में आया है, लेकिन इस बार जो मैं लगवा रहा हूँ वो सिमटेक का लगवा रहा हूँ मैं मोबाइल होल्डर विद चार्जर के साथ। जैसे मैंने आपको बताया तो आपकी बार लगेगा सिमटेक और ये हट जाएगा और सिमटेक का लग जाएगा। किस तरह से लगता है आपको लगाते हुए पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोबाइल होल्डर यहाँ फिट हो चुका है, जहाँ पहले लगा हुआ था मेरा मोबाइल चार्जर जो अभी वहाँ पड़ा है, अब वो इसी जगह पे मैंने इसको फिट कराया है। और ये 360 रोटेशनल है, आप इसको कहीं भी रोटेशन कर सकते हैं। अभी जो गाड़ी खुली हुई है अभी प्रॉपर फिटिंग हुई है, लेकिन प्रॉपर अभी सेटअप नहीं हुआ है, तो अभी इसको कम्प्लीटली सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से इसकी लुक आती है और ये किस तरह से वर्क करता है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। सो गाइस मोबाइल होल्डर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए सिमटेक का ये मोबाइल होल्डर लग चुका है, क्विक चार्जर है इसमें, क्वालकॉम का 3.0 क्विक चार्जिंग सपोर्ट है, और पीछे एक बटन दिया गया जिससे आप यहाँ से इसकी चार्जिंग ऑफ कर सकते हैं। साथ ही जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे तभी आपकी जो है चार्जिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी, और उसके लिए भी आप यहाँ से बटन से उसको बंद कर सकते हैं। तो अब देखिए कम्प्लीटली आगे से कम्प्लीटली सेटअप इसका हो चुका है, कम्प्लीटली गाड़ी सेटअप हो गया है। और एक टाइम मैंने यहाँ लगाई है जो इसके चार्जर के जो तार आ रहा है, और दूसरी टाइम मैंने इसको यहाँ फिट करी है, और यहीं से जो चार्जिंग जो की जो केबल है वो अंदर हेडलाइट के अंदर चली गई है, बाकी जो तार है उसके अंदर ही वो फिट कर दिया है। और कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है, तो इसकी क्या क्वालिटी किस तरह से चार्ज करता है, क्या इसका प्राइस, सब कुछ आगे आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिमटेक का मोबाइल होल्डर विद चार्जर रिबॉन में फिट हो चुका है। हमने अनबॉक्सिंग करते हुए आपको बताया था कि इसके पीछे जो एक नए तरीके का बटन है, तो वो हमने आपको दिखाया था। अब आपको इसका एक्चुअल यूज़ करके दिखाते हैं कैसे इसका यूज़ होगा। तो आपको ऑन करके दिखाते हैं, यहाँ से तो ऑन हो गया। अब फ़ोन होल्डर की पावर देते हैं, ये चार्ज हो रहा है देखिए। अब इसको ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। सो गाइस बाइक में मोबाइल होल्डर लगते हुए मोबाइल चार्ज लगते हुए आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, और जो हमने अनबॉक्सिंग की थी वो भी आपको बता दी थी। अब आपको डेफिनेटली पता करना होगा क्या इसका प्राइस लगा, कितने का ये पड़ा और कितने का आप ये लगवा सकते हैं। तो गौरव भाई आप एक एक करके सबके प्राइसिंग बता दीजिए, जो अगर फिटिंग एक्स्ट्रा जिसकी है वो भी आप क्लियर कर दीजिए, किसके साथ कितना वारंटी आपको मिलेगा वो भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दीजिए सब बातें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते वाले से। इसकी जो स्टार्टिंग रहेगी 400 से 450 के बीच में आपको ये मिल जाएगा हमारे पास। अब आते हैं हम दोस्तों जी टॉक आपको मिल जाएगा 1400 की रेंज में, और जो सिमटेक मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 1600 की रेंज में। तो कुछ इस रेंज के बीच में आपको ये मोबाइल होल्डर विद चार्जर बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के मिल जाएंगे। ये विद वारंटी हैं, सबसे बड़ी बात इंडियन मेड है, विद वारंटी है, हर चीज़ आपको साथ में मिलेगी, बाहर से कुछ परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपने जैसे वीडियो में देखा था। तो यही सब था आज की दोस्तों वीडियो में, हमने आपको सारे मोबाइल होल्डर विद चार्जर बता दिए और सजेस्ट भी कर दिया कि कौन सा आपको परचेज़ करना चाहिए। अगर आप जी टॉक चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो गाइस ये सब कुछ था आज की वीडियो में। तो आज अपनी नई रिबॉन में नया मोबाइल होल्डर नया मोबाइल चार्जर लग गया है, काफ़ी टाइम से मैं इसको लगवाना चाह रहा था क्योंकि ख़राब था, और आने वाले दिन में मैं लॉन्ग राइड करने वाला था, डेफिनेटली इसकी नीड काफ़ी ज़्यादा मुझे पड़ने वाली थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्ट गौरव भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और एड्रेस भी अगर आप शॉप पर विजिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और कोई भी क्वारी के लिए गौरव भाई यहाँ बैठे, आपकी सारी क्वारी का आंसर आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा आपको पता है क्या करना है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से शेयर करेगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।